नेहरू युवा केंद्र डोडा ने भद्रवा में नौजवानों की कयादत कम्युनिटी की तरक्की पर 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। नेहरू युवा केंद्र डोडा ने नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत हुकूमत हिंदुस्तान ने 3 रोजा नौजवानों की क्यादत और कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग का एहतमाम किया, जिसमें शिरका के लिए कयाम व ताम की सहूलियात थी। ये प्रोग्राम आज नए बस स्टैंड भद्रवा के करीब ठाकुर विला में मुनक्किद किया गया था और इसमें DDC की चेयरपर्सन संगीता भगत ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इसके साथ मौजूदीन की एक कहकशा बाशमूल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवा दिलमीर चौधरी, DDC काउंसलर ठाकुर युद्धवीर, BDC चेयरमैन ओमी चंद और जिला अफसर नेहरू युवा केंद्र खुशहाल गुप्ता भी शामिल थे। DDC की चेयरपर्सन ने अपने तबसरों में कम्युनिटी की मजमूई तरक्की के लिए नौजवानों पर मबनी इस तरह के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत के लिए शिरका की हौसला अफजाई की। इन्होंने इस तरह के नौजवानों पर मबनी प्रोग्राम के इनकाद में नेहरू युवा केंद्र की कोशिशों की भी तारीफ की। आइए देखते हैं कामरान खान की ये रिपोर्ट। जो 3 दिन का प्रोग्राम इस वक्त NYK की टीम ने रखा हुआ है, मैं यही बोलूंगी कि जो गेस्ट लेक्चर्स देने हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, जो सिखाया जाए उसको अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जो चीज़ें इनको यहाँ पे सिखाई जाएंगी ये सोसाइटी को डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इनका एक अपना व्यक्तित्व विकास होगा जिसे ये अपने आने वाली जिंदगी में जो है उसको अच्छे तरीके से रख सकते हैं। देखिए, ये एक कम्प्लीटली सपोर्ट सिस्टम है सबका। ये वो यंग माइंड्स, ये वो बच्चे हैं जो आने वाला फ्यूचर है हम सब का, और मैं यही कहूँगी कि एक साथ रह के जो है वो बढ़ें चलें, और कोई ना कोई एक स्किल जिस तरीके से डेवलप करनी है अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, इनको वो चीज़ों को सीखना है और उसमें निपुण बनना है ताकि ये आगे जाके अपनी जीवनी चला सके। तो लीडरशिप क्वालिटीज में इनको वो भी अपने अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि लीडर जो है वो अकेले भी नहीं चल पाता है, लीडर को हर किसी को अपने साथ चलाना है, तो वो क्वालिटीज भी इनके अंदर है। एंड मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, दे ऑल आर वेरी गुड एंड होपफुली आई विल विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, नेहरू युवा केंद्र डोडा की तरफ से जो ये ट्रेनिंग इन यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हम भद्रवा में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। इसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो यूथ हैं, युवा हैं, इनको लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाए, क्योंकि आज के टाइम में इन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ एक तरफ हम देखें तो इंडिया की तरफ G20 प्रेसिडेंसी है, और दूसरी तरफ हमारा जो ये युवा है, यूथ है, यही देश का हमारा फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं इनको लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में अच्छी तरीके से इनको ट्रेनिंग रहेगी तो आने वाले टाइम में हमारे देश का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छी राह पर चलने जा रहा है। और उसके साथ ही साथ जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की जाती हैं, तो हमने वो भी इसमें पोर्शन रखा है कि उसके बारे में भी हमारे जो यूथ है वो अवेयर हों, उन स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। और साथ ही हमने फॉक आर्ट और कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, उसको भी हमने जिंदा रखने के लिए वो भी इसमें एक्टिविटीज़ रखी हैं, और स्पोर्ट्स और योगा एक्टिविटीज़ ये भी हम डिफरेंट सेशंस में ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं। देखिए, इस इवेंट में जो लगभग 50 जो हमारे युवा हैं, 50 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अलग अलग एरियाज से, चाहे वो बलेसा का हो, गंदोह का हो, या गुंदना हो, मरमत है, खलैनी है, तो अलग अलग एरियाज से, अलग अलग ब्लॉक से, डिफरेंट दूर दराज के एरियाज से जो युवा हैं वो हमारे बीच में मौजूद हैं और इस ट्रेनिंग का फायदा उठा रहे हैं।